नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे लिपस्टिक एग्लोनिमा के प्लांट के बारे में। वैसे तो एग्लोनिमा की ढेरों वैरायटी होती हैं और लिपस्टिक एग्लोनिमा बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। एग्लोनिमा वैरायटी का, एग्लोनिमा मतलब फैमिली का। तो आप देख सकते हैं इसके पत्तों में बहुत ही सुंदर कलर वेरिएशन होता है। इसका बीच का जो पत्ती का एरिया है वो पिंक और ग्रीन कलर का है, और बीच की लाइन है वो पिंक है, और बॉर्डर पे इसके पिंक कलर है, और बहुत ही सुंदर एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों, अगर इसके हम सोइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सोइल देनी है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, और आप इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं क्योंकि कोकोपीट हल्का रहता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को हम ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, और इस प्लांट को आप तेज़ गर्मी में और तेज़ ठंड में इस इंडोर ही रखें तो ही इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि तेज़ गर्मी के कारण भी इसकी पत्तियां जलने लग जाती हैं। और जब तेज़ सर्दी होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो भी ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है और इसकी पत्तियों में ग्रोथ भी नहीं होती है। और इस प्लांट में ग्रोथ वैसे तो समर सीज़न में होती है। अब समर सीज़न है तो आप देख सकते हैं इसमें ये नई नई पत्तियां निकल रही हैं। एक ये निकली है, एक ये निकली है, और ये है, मतलब इसमें समर सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और विंटर सीज़न में ये प्लांट बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें ना तो नई पत्तियां निकलती हैं और ना ही ये प्लांट ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लांट में हमारे ये मदर प्लांट है और इसमें से ये एक बेबी प्लांट निकला हुआ है, और पहले भी इसमें से एक प्लांट निकला था और उसको हमने अलग करके दूसरे पॉट में लगा दिया था, लेकिन वो प्लांट है ना चल नहीं पाया था क्योंकि वो काफ़ी छोटा प्लांट था, उसमें दो ही पत्तियां निकली थी, तो तभी हमने उसको अलग कर दिया था। और अब इसमें से एक और, ये यहाँ से भी इसमें और भी नई ब्रांच निकलेगी। आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, अंकुरण हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी इसमें एक और नई ब्रांच निकलेगी। तो आप चाहें तो मॉनसून में यहाँ से भी इस ब्रांच को तोड़ के और अलग करके लगा दोगे तो भी ये इसका और एक नया प्लांट बन जाता है। तो दोस्तों, ये प्लांट किसी को गिफ्ट देने के पर्पस से भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो इस प्लांट को आप जैसे किसी शुभ ओकेज़न पे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, और जैसे कि आपने किसी भी सेरेमिक के सुंदर से पॉट में लगा के, जैसे कि हमने ये एक एलिफेंट प्लांटर में लगाया हुआ है, ये सेरेमिक का पॉट है और ये प्लांटर भी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं ये एलिफेंट प्लांटर है, बहुत ही सुंदर गमला। तो इस तरह के किसी भी पॉट में लगा के अगर आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। ये गिफ्ट के पर्पस से बहुत ही सुंदर प्लांट है और एयर प्यूरिफायर प्लांट है। तो दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल सनलाइट में नहीं रखना है, और सनलाइट में इसकी पत्तियां जल जाती हैं और हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हैं तो इस समय तो इस प्लांट को बिल्कुल तेज़ गर्मी से बचाना है, और कम से कम दिन में एक बार तो इसके ऊपर आप सिंपल पानी का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने भी इसके ऊपर अभी कुछ देर पहले ही सिंपल पानी का स्प्रे किया है और इसकी पत्तियां बिल्कुल साफ़ हैं। तो सिंपल पानी का स्प्रे करने से एक तो इसकी पत्तियां साफ़ सुथरी हो जाती हैं और प्लांट को ठंडक मिल जाती है, क्योंकि गर्मियों के कारण इसकी पत्तियां है ना बहुत ही ज़्यादा, एक तो इनका कलर वेरिएशन ख़राब हो जाता है पत्तियों का, तो अब भी गर्मियों के कारण इसमें जो शाइनिंग होती है उस तरह की, इन पुरानी पत्तियों में उस तरह की शाइनिंग नहीं है जिस तरह की इस प्लांट में होनी चाहिए। क्योंकि जब बाहर का मौसम होता है तो उस टाइम इस प्लांट की पत्तियों का जो कलर वेरिएशन है वो बहुत ही बढ़िया आता है,
लेकिन इस समय इसकी पत्तियों का कलर वेरिकेशन उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा डल सा हो रहा है ज़्यादा गर्मी के कारण। और दोस्तों आप इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं जहाँ इसके ऊपर छनकर धूप आए। और इस प्लांट को बिल्कुल डार्क एरिया में नहीं रखना है जहाँ पर अंधेरा रहता हो, तो ऐसी जगह भी ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। और इस प्लांट को आप या तो खिड़की के सहारे रख सकते हैं और बालकनी में भी रख सकते हैं जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट रहे, मतलब कि रोशनी रहे, लेकिन धूप, डायरेक्ट धूप इस प्लांट के ऊपर नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये हमारा शेड लविंग प्लांट है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को लाके नर्सरी से लगा सकते हैं। और इसका प्राइस ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो अगर आप इस तरह का सिंगल स्टेम्प वाला प्लांट लेते हो तो 150 से लेके 200 के बीच में ये प्लांट आ जाएगा। और अगर आप बुशी प्लांट लेते हो, मतलब जैसे एक इसमें चार पांच ब्रांच होती है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस प्लांट को आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।